अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं कुबा। यहाँ की एक डिफरेंट सिटी है और यहाँ के आप सीन चेक करें, ये तो ऐसा हो गया है कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वाली कहानी हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल गई। राफे बैठ चुके हैं हॉर्स पे और ये जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग के ऊपर। यहाँ के तो हॉर्स भी माशाल्लाह से घने घनी जुल्फों वाले। राफे, यू लाइक इट? शो मी अ थम्स अप। वी इट्स सो कोल्ड राफे। नज़ारा चेक करें व्यूअर्स, कितना हसीन माशाल्लाह। और स्नो फॉल हो रही है, देखें स्नो फॉल हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। उफ, ये देखें, उधर देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हल्की हल्की स्नो हो रही है। प्लीज साहब, कुछ अपना आप बताएंगे रिएक्शन ये सब देख के। मैंने तो बोल दिया, लग रहा है व्हाट कॉल आई से, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड ओवर हियर, बहुत सर्दी, -2 डिग्रीज राइट नाउ, काफी ठंडा है। व्यू कैसा है? स्नो फॉल हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। स्नो पड़ रही है, माउंटेन्स के बीच में है, दरख्तों के बीच में, बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, देख जो बच्चे हमारे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। ये देखें, वहाँ से अनाया आ रही है, उधर ईमान कहीं गई हुई है। व्यूअर्स, ये एक दूसरी सिटी है कुबा, जो कि बाकू से 3 आवर्स दूर है और काफ़ी टाइम लगा मैं यहाँ पहुँचने में, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन हमने बहुत अच्छा किया कि हम आ गए और हमने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। बच्चे तो बहुत खुश हैं और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमको सिखा रही है? बस ये बच्चों की हो गई है हॉर्स राइडिंग और ये वापस आ रहे हैं। ईमान कहीं अंदर है क्योंकि बाद में गई थी, और ये दोनों आ गए हैं बाहर। राफे वो रही है ना यार, ओफो राफे टच करो। यहाँ पे ना, यहाँ पे इनकी एक रोटी बहुत मज़े की है और वो यहाँ बन भी रही है और हम लोगों ने खाई भी है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कैम्बिन क्या कहते हैं इसको, इनकी जो रोटी है एक ट्रेडिशनल, उसके अंदर मीट है, बहुत मज़े की। अभी वापसी में हम लोग वो ट्राई करेंगे। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं माउंटेंस के ऊपर, जहाँ पे और हाइट है और थोड़ी सर्दी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। और ये कुबा सिटी की बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, और जो भी अज़रबैजान आए मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि वो इस जगह पे ज़रूर आएँ, स्नो को एक्सपीरियंस करने और इन खूबसूरत नज़ारों को एक्सपीरियंस करने। देखें कितना प्यारा लग रहा है कि सारे क्लाउड्स नीचे आए हुए माउंटेंस के ऊपर, वाह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम थोड़ी सी और हाइट पे आ गए हैं व्यूवर्स, और यहाँ पे इस तरह की बाइक्स हैं जो कि आप चलाएं, देखें लोग ऑलरेडी चला भी रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं इनको। और आप हाइट पे जाएं ऊपर और उधर देखें आप, सारे जो क्लाउड्स हैं वो माउंटेन्स के ऊपर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखें। व्यूअर्स, यहाँ पे -6 डिग्री से करीब अभी टेम्परेचर हो गया है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि बस अब यहाँ पे हो रहा है कि अब नीचे चलो यहाँ से, जो है ना अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा सर्दी। और आप फॉग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है, यानी हमें आगे का नज़र नहीं आ रहा, क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं, बहुत ही व्यू तो बहुत ही फंटेस्टिक है बट ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस अब अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम वो थोड़ी सी गर्मा गर्म रोटियाँ खाते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, मीट रोटी, चलिए मेरे साथ वो खाते हैं। अभी हम वापस इधर आ गए और ये रोटी खाने के लिए, ये रोटी इंजॉय, क्योंकि इतनी सर्दी है। और ये देखें, इसको कहते हैं कुताब,
और इसके अंदर ना मीट होता है लैम्ब का या चिकन, आपकी मर्जी है वो डलवा लें आप। गरम गरम होती है, बड़ी मज़े की। पहले भी हम लोगों ने खाई है ये। अंदर ऐसा सेटअप है ये, क्योंकि ज़ाहिर है रोड साइड है तो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है सेटअप, लेकिन देखिए अंदर का सेटअप इस तरह का है। और ये मीट है, लैम्ब आई थिंक, और स्पिनिच है, और ये इनका कोई स्पाइस है, और उधर चीज़ है, चीज़। अभी ये रोटी बनाएंगी, और उधर बैठने का अरेंजमेंट, टैलेंट चेक करें, इतनी थिन थिन रोटी बन रही है, थिन, उसको लंबा लंबा कर रही है बिल्कुल, बेल बेल के, ज़बरदस्त। अभी देखेंगे इसमें ये मीट ऐड करेंगे, ये पूरी के अंदर, ये देखें। देख इस तरह से इसको स्प्रेड कर दिया हाफ साइड पर, हाफ साइड से शायद इसको बंद कर देंगे। बिलीव मी व्यूअर्स, ये सर्दी में इतने मजे के लग रहे हैं, गरम गरम बस। इसका ऐसा बंद कर दिया उन्होंने, लुक बनने के लिए आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने लगा दी है ये मीट वाली रोटियाँ, इसके अंदर मीट है और ये इसके ऊपर बन रही है, वुड के ऊपर। एक हमने चीज़ वाली भी बोली है इनको कि चीज़ वाली भी बना के दे। चलें अब इसको खा के दिखाते हैं कैसी लगती है। मुबीन साहब यहाँ खड़े हैं हमारे, टर्जी लग रही है, देखते हैं अभी इसको खा के टेस्ट करते हैं। ये पहले भी हमने वहाँ खाई थी ना, हाँ वहाँ पे भी खाई थी है, एक दूसरे रेस्टोरेंट में, कौन सा सुखी था वो? गबाला में खाई थी हमने ये। देखिए जी आ गई है हमारी गरम गरम रोटियाँ, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। ये धुआंधार सी रोटियाँ हमारी आ गई हैं, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। मज़े की लग रही है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा व्यूअर्स ये चीज़ वाली रोटी है, ये अभी बन के आई है। ओके तो जी जनाब, पेट पूजा हो गई, अब थोड़ा सा स्नो में खेल रही है हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह से, और जो हमारे गाइड हैं वो भी जो है ना स्नो बॉल्स बना बना के मार रहे हैं सबको। तो बस यहाँ हमने आराम से 3 to 4 hours स्पेंड कर लिए हैं, अब हम आगे निकलेंगे क्योंकि वापसी बाकू का सफ़र भी 3 hours का ही है, और फिर फ्लेम टावर्स भी जाना है, और कल हमारी रवानगी है। तो हमने सोचा है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ बेसिक स्ट्रॉबेरी मिल्क और इस तरह के चिप्स वगैरह एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करने के लिए जो ना थोड़ी सी चीज़ें हम लोग ले लें। देखिए कितना खूबसूरत है, व्यूवर्स जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, बट जाना है और फिर रात हो जाएगी, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं अब। अच्छा तो जी व्यूवर्स, ये हैं यहाँ के बहुत फेमस फ्लेम टावर्स, और ये 3 हैं, इसके पीछे एक और है, एक ही स्टाइल के, बहुत ज़्यादा हाइट है इनकी और बहुत ही लग्जरियस स्वीट्स इसके अंदर हैं, और होटल्स रूम्स बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव है, और बहुत ही खूबसूरत है। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि मुझे कपकपी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और बस हम लोग ये देखने के लिए रुके थे यहाँ पे, और आज हमारा लास्ट डे है बाकू में, और कल इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है दुबई की। तो बस हमारे ये जो गाइड है उन्होंने कहा चले आप लोग यहाँ भी थोड़ा स्टॉप ले लें और इसको भी कवर कर लें। अच्छी बहुत खूबसूरत बनी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे एक ये, एक ये है, और एक इसके पीछे भी इतनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। देखिए इधर सामने जो है मॉस्क है, ये स्ट्रीट है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, आज सबसे ज़्यादा सर्दी है बाकू में। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर आ गए, क्योंकि हमारे होटल के बिल्कुल बराबर में है, हमने सोचा कि चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स कैसे होते हैं। चले मैं आपको भी यहाँ का एक लुक दिखाती हूँ।
ऑलमोस्ट दुबई के ही जैसे हैं, बट यहाँ पे अल्कोहल वगैरह बिल्कुल ओपनली सेल हो रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ऊपर चलते हैं, कनेक्टिंग है, ऊपर तक भी जा रहा है, चल के देखते हैं कि कैसा है। ये सारे मिल्क वगैरह जैसे दुबई में होते हैं सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे इनकी टी वगैरह, अच्छा यहाँ पे ना टी का जायका बहुत ही मुख्तलिफ है, बिल्कुल हमारे जैसी नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आई, बहुत अलग है। देखिए जी व्यूवर्स, ये सारे केक्स हैं, ये केक है, इतना खूबसूरत लग रहे हैं सारे केक्स। ये भी केक है, प्यारी प्यारी डेकोरेशन है, यहाँ खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, मज़े की बेकिंग की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सारे अच्छे बने हुए केक्स, खूबसूरत केक्स बने हुए, सारी बेकिंग है, फ्रूट केक, ये देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत केक है। इधर सारा बकलावा है, ये सब बकलावा है, बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, बेकरी के कुकीज़ वगैरह सब कुछ, स्नैक्स वगैरह, सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह रखे हैं। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ रखे हुए, इधर सारी चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह, क्रोसॉन्ट्स, ये सब कुछ रखा हुआ है, बिस्किट्स वगैरह हैं यहाँ पे सारे। ये देखें चॉकलेट्स, क्रिसमस भी करीब है ना, तो उस वजह से भी काफ़ी डेकोरेशंस वगैरह हुई हैं। ये देखें क्रिसमस की डेकोरेशन और उसकी चीज़ें हैं सारी। तो जी व्यूअर्स, अभी हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं, यहाँ पे देखें सारे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट मिल्क वगैरह हैं, और हमने भी बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों के लिए ले ली ताकि कल एयरपोर्ट पे भी हमें कोई मसला ना हो, खाने पीने की चीज़ें हमारे पास हो। और यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक भी बाय किया, नेल पॉलिशेस वगैरह लीं, और कुछ क्रीम्स वगैरह मुझे अच्छी लगी तो मैंने वो भी ली, और बस अभी यहाँ से मैं निकल रही हूँ। कल हमारी फ़्लाइट है और आज यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है बाकू में, मैंने आज कोल्डेस्ट डे एक्सपीरियंस किया है बाकू में, यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड और उसके साथ हवा भी बहुत चली है। तो बस आपसे मैं कल एयरपोर्ट पे मिलती हूँ, और मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे भी, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुबीन कोई चॉकलेट्स उठा रहे थे, वो उनसे मिस हो गए। अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फ़ी अबारिल।